अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का वीडियो है ये अगेन मैं सुबह 6 बजे से शुरू कर रही हूँ और मैं ऊपर आई थी। ये देखिए बहुत तेज़ हवा चल रही है, रात 4-5 बजे से ही, बल्कि 3-4 बजे से ही बहुत मट्टी वाली आंधी चल रही है। ये देखिए ऊपर शायद नहीं दिख रहा, बहुत ज़्यादा मट्टी है और बहुत मतलब सांस लेना मसला हो रहा था। मुल्तान की पता है ना मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये है कि एक मिनट हानी, लेकिन अब मिट्टी तो बैठ गई है कम से कम ऊपर छत पे। कमरों में ऐसे मिट्टी मिट्टी फील हो रही है, बल्कि बाहर सेन में या ऊपर छत पे आओ तो मिट्टी नहीं है और ठंडी हवा है, तो काफ़ी रिफ़्रेशिंग फील हो रहा है। अभी तक नहीं कोई चाय कोई नाश्ता कुछ नहीं, आगे पीछे 2-3 दिनों से ऐसे हो रहा था। मैं रात को 3 बजे चाय पी लेती थी, हवा तो जागी रही होती थी, लेकिन आज मैंने कोई चाय वगैरह नहीं पी है और आहिस्ता आहिस्ता बहुत धीरे धीरे रूटीन जो है ना वो सही हो रही है, तो इसलिए मैंने कोई चाय वगैरह भी नहीं पी। तो इंशाल्लाह मैं अभी पीऊँगी, नीचे जाके नाश्ता करूँगी तो डेफिनेटली शेयर करूँगी। और ये परिंदे उड़ रहे हैं, वाह, आज सूरज निकलने का कोई चांस नहीं और अल्लाह करे सूरज निकले भी नहीं, आज मैंने मार्केट भी जाना है। ओके सो गाइज, मैंने ये ब्रेकफास्ट मंगवाया था, अभी मासी को बाहर भेजा था क्योंकि इस टाइम फूड पैंडा नहीं होता, और आज हम हलवा पूरी का नाश्ता करेंगे क्योंकि बस दिल कर रहा था ऐसे ही। तो जब मैंने नाश्ता हमने किया तो उस टाइम शूट नहीं कर सकी क्योंकि हवा हर चीज़ में हाथ मारने लगी है, तो उसको संभालना कंट्रोल करना मसला हो जाता है। तो गाइज बस तकरीबन 11 बज रहे थे और ये मुझे कुछ ऑर्डर डिस्पैच करने थे और थोड़ा सा ऐसे काम था, चेकबुक भी मुझे बैंक में काम था क्योंकि मेरा एटीएम कार्ड गुम हो गया है, तो मुझे वो चेक के ज़रिए लेना पड़ता है क्योंकि अभी मेरा न्यू एटीएम कार्ड आया नहीं है। तो ये दो ड्रेसेस हैं, ये मैं आलिया को भेज रही हूँ, फ़िलहाल आलिया ने लिए थे ये लास्ट में जो गए हैं, ये वो मिसेस आलिया नईम के नाम से हैं इंस्टाग्राम पे और आलिया उनका नाम गुजरांवाला से हैं। तो हेलो आलिया, अगर आप मुझे देख रही हैं कैसी हैं आप। तो बहरहाल, और जो बैग मैं लेके जा रही हूँ ना, ये B1 का बैग है और ना ये मुझे ये वाला, मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया लास्ट ईयर से, बल्कि मैं यही यूज़ कर रही हूँ। एक तो ये ओवर साइज है इसलिए यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा मतलब के अजीब है, इसके ऊपर कोई जिप कोई बटन कुछ नहीं है और ये खुला रहता है, तो इसमें से मेरे बहुत दफ़ा पैसे भी निकल गए हैं और निकल गए हैं, निकल के भागे नहीं थे मतलब कि चोरी हो गई मेरा एटीएम कार्ड भी इसी से गुम हुआ था, काफ़ी दफ़ा मेरा काफ़ी सामान गुम हो चुका है, मेरे इयर रिंग्स भी इसमें से गुम हुए, तो इसलिए फिर भी आज मैं ये लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये डिस्पैच करना है ना, तो यही सही रहेगा। जी मैं बाहर आ चुकी हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर रिक्शा, और रिक्शा वाले भाई ने मुझे देख लिया और वो आ रहे हैं। गाइस मैं बाहर जा रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को अपने साथ ले जाऊं, तो सारा रास्ता ही आज मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी, कहीं कैमरा ऑफ नहीं किया मैंने इधर। तो बहरहाल पहले मैं जाऊंगी बैंक, क्योंकि बैंक जाना है पहले क्योंकि उसका जल्दी से बैंक क्लोजिंग टाइम हो जाता है, और फिर उसके बाद TCS ऑफिस जाऊंगी, उसके बाद सब्ज़ी लेनी है, अम्मी ने मुझे बताया 1.5 किलो भिंडियाँ, 1 किलो टमाटर और हरी मिर्चें थोड़ी सी, और इसके अलावा लेनी है 2 किलो लहसुड़े, 1/2 किलो कच्चे आम, क्योंकि अम्मी आज लहसुड़े का अचार डालेंगे और मैं इंशाल्लाह आपके साथ उस अचार की रेसिपी स्टेप बाई स्टेप सारी शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी अम्मी ने ख़ुद भी एक ब्रिलियंट रेसिपी सीखी है, मेरी अम्मी ना आसानी से रेसिपी ये यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे रेसिपी होती है ना या किसी की भी पसंद नहीं करती, मेरी अम्मी की कुकिंग काफ़ी मशहूर है, काफ़ी अच्छा करती हैं और ऐसे गैर संजीदा किस्म की रेसिपीज ट्राई नहीं करती। तो मेरी अम्मी ने देखा एक बाबा फूड्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, शायद आप लोगों को पता होगा, काफ़ी उनके फॉलोअर्स 1 मिलियन होने वाले हैं, तो अम्मी ने उनकी अचार की रेसिपी ट्राई की है। मेरी अम्मी को वो कहती, मेरी अम्मी कहती हैं वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो मेरी अम्मी मेरे अलावा उनकी वीडियोस देखती हैं, वरना मेरी अम्मी ज़्यादा देखती नहीं है यूट्यूब। तो वो लहसुड़े का अचार है, तो अम्मी ने कहा कि बरीरा तुम अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर कर लेना क्योंकि मतलब फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर लहसुड़े का अचार डालते हैं और उसको गलत तरीके से डालते हैं, तो अम्मी कहती हैं कि मैंने भी अब सीखा है जाके, तो सबके लिए हो जाएगा। और मैं पर्सनली अचार बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो अचार अम्मी ने डाला था ना, तो ये
साथ साथ मैंने ऐसे थोड़ा सा चखा क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, मैं पास में ही थी। तो यार वाकई में टेस्ट बहुत अच्छा था। मैं ना बाज़ार का ना घर का मैं अचार खाती ही नहीं हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन अचार बहुत अच्छा था। और ये देखें रास्ते में आप लोग देख रहे हैं, ये जो सारी जगह जगह गलियों के आगे लगाया हुआ है, यहाँ पे ख़तरनाक मरीज़ मौजूद हैं और सारी जगह। और ये भी यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों की दुकान। बस बैंक आने वाला है, फिर उसके बाद मैं कैमरा ऑफ कर दूँगी, क्योंकि बैंक में तो कैमरा नहीं लेके जा सकती। वो पहले सारा सैनिटाइज करेंगे, मेरा टेम्परेचर चेक करेंगे, फिर मैं अंदर जा सकूँगी। और ये देखें ये आ गया UBL, और मैं ज़रा आती हूँ। ओके जी, हमने तो बनाई थी भिंडियाँ और मैंने खाना भी खा लिया, मैंने शूट नहीं किया क्योंकि फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। अब है शाम का वक्त और मेरी अम्मी बना रही हैं आम का अचार, नहीं आम का मुरब्बा बनाने का इरादा है। पता नहीं मुरब्बा तो शायद वो कल बनाएं, लेकिन फ़िलहाल बन रहा है लसूड़े का अचार। और ये आम रखे हुए हैं। आप में से कौन कौन कच्चे आम खाता है? मैं बिल्कुल कच्चे आम अचार खाने वाली वो कैटेगरी में से नहीं हूँ, मेरी बहनें खाती हैं। अगर मैं खाऊँ थोड़ा सा बाइट भी खाऊँ ना, तो मुझे इमली वगैरह ये चीज़ें खट्टी चीज़ें पसंद नहीं है मुझे। तो ये देखें सबसे पहले मेरी अम्मी ने लसूड़ों किस तरीके से डंडियाँ तोड़ ली। वो तो खैर आप लोगों को भी पता होगा कि ऐसे ही तोड़ती हैं, ये तो खैर बिल्कुल बेसिक सी बात है। अच्छा, बेसिक बात से याद आया, आपको पता है यूट्यूब पे एक चैनल है, पिछले मतलब लास्ट वीक मुझे भी पता चला है, हाउ टू ड्रिंक वाटर, हाउ टू टर्न लाइट, हाउ टू टर्न ऑफ लाइट, मतलब लाइट ऑन करना, ऑफ करना, दरवाज़ा खोलना, पानी पीना, ये सिखाया जाता है उसके अंदर। क्या बात है, कितने और यार मिलियन में व्यूज़ हैं उनके। खैर तो ये देखें, ये मैं देख रही थी, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को। और ये मेरी अम्मी ने अचार के लिए 2 किलो लसूड़े लिए थे और आधा किलो कच्चे आम लिए थे, क्योंकि थोड़ा सा हमने लसूड़ा क्योंकि ख़ुद तो खट्टा होता नहीं है, तो उसके अंदर खटाई का थोड़ा सा इफ़ेक्ट आए और वो सेव भी रहे, तो उसके लिए आम थोड़ा सा इस तरह डालना था। और ये मेरी अम्मी ने सरसों के तेल में इसको फ्राई किया है, इतना का इसको देर तोड़ के फ्राई करना है कि इसके ऊपर झुरियाँ पड़ जाएं। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी झुरियाँ, किस सेंस में कह रही हूँ मैं कि ये जो है ये है अचार का मिसाला। ये मार्केट से आप यूँ ही बोलते हैं कि अचार का मिसाला दे दें, तो वो ये खुद ही आपको देते हैं, अलग अलग कुछ नहीं देते, वो आपकी मर्ज़ी होती है, आप ले सकते हैं, ऐसे मिल जाता है वैसे नॉर्मली। और ये आधा इसको मतलब मोटा मोटा कूट लिया है, और आधा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि अगर सारा कूट के डालेंगे तो अचार कड़वा हो जाएगा। और बस ये इतना का मिसाला कूटा है, बाकी सारा साबुत डाल देंगे। और ये है जी नमक और ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और लाल मिर्च कुटी हुई, और ये इतनी इतनी क्वांटिटी में जाएगा, तो ये सारा कुछ इसके अंदर जाएगा। फ़िलहाल तो वो फ्राई हो रहे हैं, और वो भी सरसों के तेल में, और वो सरसों का तेल भी बीच में ही ऐड कर देंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, कोई धूप धूप में सुखाना नहीं है। और ये मेरी अम्मी प्रात में निकाल रही हैं, क्योंकि ये देखें आप देखें थोड़ा सा सौगी थोड़ी सी वो हो गई हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ लहसुन के 3-4 जवे भी डालने थे जो कि मेरी अम्मी भूल गई थी, तो अब वो इसको अभी क्योंकि जस्ट डाला है, गरम गरम ऑयल है, इसके अंदर थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए फ्राई करके वो भी साथ ऐड कर देंगी। ये इसको महफूज रखने के लिए होता है। और आप देख रहे हैं जिस तरह थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट हो गया है काफ़ी आम भी, और ये इस तरह की झुरियाँ पड़ गई हैं। तो ये देखें ये मेरे साथ एक कच्चा आम मैंने रख लिया था। ये देखें ये सरसों का तेल रखा हुआ है साथ। वैसे तो सरसों का तेल मतलब होता ही है, हर घर में होता है, लेकिन अचार के लिए अलग से मंगवाया था। और ना मुझे अचार, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, बिल्कुल पसंद नहीं है, और घर का तो बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन होप सो इस दफ़ा अचार अच्छा बनेगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था, मुझे अच्छा लग रहा था, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था इस तरीके से ऑयल के साथ खेलना। इसको 5-6 मिनट के लिए, ये देखें ये लहसुन भी फ्राई होके थोड़े से आ गए हैं, और अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो मेरी अम्मी ने पंखा चला दिया था ताकि इसके अंदर से गर्माइश निकल जाए, बिल्कुल गरम गरम ना हो, हल्का सा गरम हो तो चलेगा लेकिन बिल्कुल ना हो। और ये देखें ये मेरी अम्मी डाल रही हैं, और साथ साथ में उनको मतलब कि शूट भी कर रही थी। तो ज़्यादा शुक्र है इस दफ़ा तेल नहीं होगा, मुझे मतलब बाज़ार वाला अचार भी नहीं, सबसे बुरी चीज़ ही ना एक्चुअली तेल लगती थी। तो ये इस टाइम ठंडा हो रहा है हमारा अचार का ये, और अब अम्मी मिसाले इसके ऊपर छिड़क रही हैं। तो ये हल्दी और ये मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च, दोनों टाइप की मिर्चें कहीं, उसके बाद नमक और ज़ीरा जाएगा, उसके बाद वो जो मोटा मोटा कुटा हुआ मिसाला है वो डलेगा। ये देखें जी ये नमक और ज़ीरा गया, और अब जाएगा इसके अंदर मोटा मोटा कुटा हुआ मिसाला। ओह, मुझे मिसाले की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, अचार का मिसाला जो होता है।
अच्छा मज़े की बात, मैं अचार नहीं खाती लेकिन अचार गोश्त बहुत शौक से खाती हूँ। और ये देखें ये हो गया, और अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे मेरी अम्मी इसी चम्मच के साथ। ये देखें अब ये मेरी अम्मी मिक्स कर रही हैं इसको इस तरह, और ये मतलब कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी इस टाइम, और इसके अंदर से जो एक बिल्कुल पकासा हुआ आम था ना वो मैंने उठा लिया था, एक पीस ही होगा अचार का, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे मीठा और अच्छा लग रहा था, सॉफ्ट भी हुआ हुआ था। और फिर मैंने उसके इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ भी ले ली थी अपनी, और इंस्टाग्राम पे मेरे बड़े अच्छे लाज जा रहे हैं यार फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप लोगों का शुक्रिया यार इतनी मोहब्बत के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं वो इधर भी हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को शुक्रिया कह रही हूँ, क्योंकि आप ही उधर हैं आप ही इधर हैं। तो यार शुक्रिया इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए, और मेरे कलेक्शन को भी इतनी मोहब्बत देने के लिए। इतना ऑलमोस्ट मतलब परफेक्ट नहीं था, ऑलमोस्ट सारा बिक गया, बस दो एक सूट रह गए हैं। शुक्रिया यार। और बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इतनी की परफेक्ट हो जाऊँ कि मैं उसी टाइम मतलब कि शूट करते हुए बोल लिया करूँ। बोल तो मैं अभी भी लेती, मुझे कोई इशू नहीं था, लेकिन जो मासी थी अम्मी थी वो इस टाइम बड़ी दुख सुख कर रही थी, बात शात कर रही थी, तो इसलिए ऊंची आवाज़ में बातें हो रही थी। फिर मैंने कहा कि मैं वॉइस ओवर बाद में कर लूँगी, और मेरी अम्मी ने ये अबेंडेंट मर्तबान वापस अपने यूज़ में कर लिए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इनका इस्तेमाल ख़त्म हो गया था, तो अम्मी ने इनको रखवा दिया था ऊपर, एक जगह थी स्टोर रूम में वहाँ पे। तो अब फिर मासी से कल अम्मी ने उतरवाए, इनको धुलवाया, इनको सूखने के लिए रखा, और अब इसके अंदर ये अचार डाल जा रहा है, और ये फाइनल मरहला है। उसके बाद इसको कोई धूप शूप में नहीं रखना, खाली इसको एयर टाइट नहीं करना, इसके ऊपर कोई ढक्कन वगैरह नहीं रखना, इसके ऊपर हल्का सा मतलब कोई चीज़ से ढांप दें, इसको जालीदार चीज़ या कपड़े से ढांप दें 3-4 दिन, और कोई धूप में नहीं रखना इसको, अपने किचन में आम सादा टेम्परेचर में रख सकते हैं। और फिर उसके बाद इसके अंदर बस एक कप सिरका डलेगा, दैट्स इट। और ये अचार 3 साल तक ख़राब नहीं होता, और ये उन्होंने सिखाया था, जो बाबा फूड वाले भाई हैं ना उन्होंने कमर्शियल बेसिस के लिए सिखाया था, कि अगर आप अचार बना के सेल करना चाहते हैं अपने एरिया में, थोड़ा अर्न करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। आजकल लसूड़े आए हुए हैं तो मतलब ये बड़ा महंगा मिलता है ना, कंपनीज बहुत महंगा देती हैं, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा लेस करके और अपना मतलब इस तरीके से बना सकते हैं। तो लेकिन मेरी मम्मी को उनकी रेसिपी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने अपने घर के लिए बनाया, क्योंकि मेरे घर में तो बाकी लोग तो पसंद करते हैं ना जिस तरीके से दाल चावल हो गए और या पराठा हो गया, उसके साथ अचार तो अच्छा लगता है सबको, तो इसलिए हमारे घर में हर साल बनता ही है। तो वैसे हकीकत टीवी वाले भाई कह रहे हैं कि ना दुनिया ख़त्म हो जानी है, लेकिन यार अचार तो बन रहा है। और दैट्स इट, अब डल रहा है इसके अंदर ऑयल, तो मैंने कहा ऑयल भी दिखा दूं आप लोगों को ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बड़ी डिटेल में रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और ये ऑयल इतना का हो, आपका जो भी अचार की क्वांटिटी हो इतना का हो कि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा मतलब बस सारा सारा डूब जाए, वो ज़्यादा ऊपर तक ना हो, बस ये देख लीजिएगा जितना का मेरी अम्मी का। अभी ये देखें नज़र आ रहे हैं ना लसूड़े डूबे हुए नहीं हैं, अभी ये डूब जाएंगे, और बस इतना का ये तेल होना चाहिए सरसों का, और फिर एंड में सिरका डलेगा 3 दिन बाद, 3 दिन बाद सिरका इसमें डलेगा, फिर बेशक आप इसको एयर टाइट करके भी रखते हैं 3 साल के लिए, टेंशन ख़त्म। तो बहरहाल ये देखें इतना का अचार हो गया, अम्मी को लगा कि ये काफ़ी है, फिर उन्हें लगा कि नहीं थोड़ा सा और डलना चाहिए, तो वो ये देखें मिक्स करके देख रही हैं, और फिर उसके बाद इसके अंदर और ऐड कर देंगी। लेकिन यार ये क्या सीन है, कहते हैं कि 2020 में दुनिया ख़त्म हो जानी है, ये वो ऐसे तो नहीं कहते, ये तो बुरी बात होती है ना, ये तो अल्लाह मियाँ को पता है, हम तो नहीं कह सकते ऐसा। तो खैर पाकिस्तानी माएँ तो मैंने देखा है काफ़ी सारी जगहों पर अचार बन रहे हैं, और बनने भी चाहिए, ठीक है ना। अब हवा रोने लगी है क्योंकि मैं काफ़ी देर से वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अब हवा को ये है कि मुझे उठा लो और मुझे तवज्जो दो, तो बस वीडियो भी ख़त्म होने वाला है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर देना, ये वाला चैनल भी थोड़ा ग्रो कर, मैं भी खुशी खुशी यहाँ पे डेली व्लॉग्स डाला करूँ, क्योंकि मैं यार डालती हूँ थोड़े से व्यूज़ होते हैं तो फिर मैं डिसपॉइंट हो जाती हूँ, सीधी बात है। और जी ये रात को मतलब अचार वगैरह बन गया था, उसके बाद मेरी अम्मी मेरी खाला से फ़ोन पे बात कर रही थी, और मैं बना के लाई थी चाय, और ये साथ से अभी टेलर भाई आए थे उनको कपड़े दिए थे, और ये कुछ कपड़े हैं ये मेरी अम्मी के हैं, और मेरी एक सब्सक्राइबर है मारिया, मैंने उनसे कपड़े मंगवाए थे, वो शेखुपुरा में रहती हैं, तो मैंने उनसे कपड़े मंगवाए थे कुछ फैक्ट्री आउटलेट के क्रीप्स फायर के, तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे कपड़े भेज दें मारिया, और मतलब कि ज़ाहिर है मैंने उनको पे किया था। तो ये कुछ ये शर्ट हैं और ये हैं, तो
अब इनको मैं डिज़ाइन करूँगी अपने लिए ईद के लिए, तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ शेयर भी करूँगी इसको। तो बस यहाँ तो मेरे पास तो कपड़े ही फैले रहते हैं, जब भी मैं और अम्मी बैठे होते हैं ना तो कपड़ों की बात हो रही होती है, कपड़े ही फैले पड़े होते हैं। तो बस इस टाइम भी वही हो रहा है और चाय इंजॉय की जा रही है। ये ईडन रॉब का सूट था, ये मेरी अम्मी को बहुत अच्छा लगा है और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और थैंक यू यार मारिया, आप सबका शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।